देखिए भाई, प्रभास सर की प्रोजेक्ट के से काफी सारी न्यूज आ गई है। जहां तक पहले ही आपको बता दूं, कल रात प्रोजेक्ट के वालों ने ये पोस्टर भेज के अनाउंस कर दिया है। वो 20 जुलाई को यूएसए के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में जो कॉमिक कॉन फेस्टिवल होने जा रहा है, उसी में वो लोग प्रोजेक्ट के का टाइटल वो अब एक छोटा सा टीजर के साथ रिलीज करेंगे। और आपको बता दो, प्रोजेक्ट के इंडिया की पहली फिल्म है जो कॉमिक कॉन फेस्टिवल में जाने वाली है। इससे पहले वहाँ कोई भी इंडियन फिल्म नहीं गई थी, और इसलिए प्रोजेक्ट के की पूरी टीम प्रभास, कमल हसन सर, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टर नाग अश्विन, सबको उस दिन 20 जुलाई को वहाँ जाएंगे कैलिफोर्निया के कॉमिक कॉन इवेंट में प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन भाई, अफसोस की बात यह है, उस कॉमिक कॉन में प्रोजेक्ट के का टाइटल और ग्लिम्स तो रिलीज होगा ही, मगर उसके साथ प्रोजेक्ट के वाले रिलीज करेंगे फिल्म का न्यू रिलीज डेट। जी हाँ भाई, प्रोजेक्ट के हमारी अगले साल संक्रांति पर रिलीज नहीं होगी। नाग अश्विन मूवी को पोस्टपोन करने का प्लान कर लिए हैं। ऐसा बोला जा रहा है प्रोजेक्ट के वाले फिल्म का रिलीज डेट समर में रखना चाहते हैं। शायद उनका मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम जनवरी महीने तक खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए वो फिल्म को पोस्टपोन करने जा रहे हैं। यानी कि भाई, एक और हमारी फेवरेट फिल्म पोस्टपोन हो रही है, वो भी प्रभास सर की। सो देखते हैं 20 जुलाई को कॉमिक कॉन में प्रोजेक्ट के की टीम वहां जाकर क्या करती है और फिल्म का छोटा सा टीजर कैसा होता है। देखिए भाई, इस समय हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर जिनका नाम है विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनाई थी, पता नहीं इन महाशय को अचानक से क्या हुआ है, ये प्रभास सर के सलार को ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली बात यह है, कल सलार का टीजर आया तो उसके कुछ देर बाद ये महाशय ट्वीट कर दिए सोशल मीडिया पर, जिसमें तो इन्होंने सलार का जिक्र तो नहीं किया कमेंट में, बट इनडायरेक्टली वो भूत को सुना दिए प्रशांत नील और प्रभास को। जहां तो पहले इनका बोलना है, हमने भूत से अच्छी अच्छी फिल्में देखे इंडियन सिनेमा में, जैसे सोले। लेकिन अब इंडिया के कुछ फिल्म मेकर्स ऑडियंस को मूर्ख बनाने लगे हैं, मार्केटिंग हाइप बढ़ाने के लिए घटिया एक्शन के साथ लाउड साउंड के दम पर मूवी को हिट करा रहे हैं, और ये सब डम फिल्में हिट भी हो रही है ऑडियंस में। भाई, इसके बाद आप समझ ही गए होंगे ये विवेक अग्निहोत्री किसके बारे में बात किए हैं। जी हाँ, इस महाशय ने सलार के जब के बारे में कमेंट किया है। इनके हिसाब से सलार का एक्शन घटिया है, उसका बीजीएम घटिया है, और ये लोग मूर्ख बनाकर ऑडियंस से पैसा बना रहे हैं। लेकिन भाई, अभी भी आप रुकिए, ये इंसान इंडियन फिल्म को ट्रोल करके उसके जस्ट बाद हॉलीवुड के मिशन इम्पॉसिबल 7 की तारीफ करने लगा। भाई, एक्शन फिल्म हो तो ऐसी हो, और इस ट्वीट में भी इसने प्रभास सर को इनडायरेक्टली हमला भी कर दिए हैं। इसका बोलना है, हम आशा करते हैं एक दिन हम लोग भी मिशन इम्पॉसिबल टाइप की फिल्म बनाएंगे इंडिया में, ना कि सिर्फ स्टार की इमेज चमकाने के लिए काम करेंगे। एक्चुअली भाई, ये इंसान जलता है प्रभास सर से और उनके स्टारडम से। खैर, आपको इनके सारे ट्वीट के बारे में क्या बोलना है, हमें कॉमेंट में जरूर बताना आप। देखिए भाई, शाहरुख खान के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर आ गई है। एक्चुअली में शाहरुख खान की दोनों अपकमिंग फिल्में डंकी और जवान का OTT राइट बेच दिया गया है, वो अभी टोटल 480 करोड़ में, जिसमें से जवान का OTT राइट और म्यूजिक राइट मिलाकर टोटल 250 करोड़ कलेक्शन हुआ है। तो वही डंकी का टोटल कलेक्शन OTT राइट बेच के 230 करोड़ हुआ है, जो सच में हिंदी सिनेमा में एक बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है। यानी कि भाई, जो पिछले साल हिंदी सिनेमा की लेवल गिर गई थी ढेर सारे फ्लॉप के बाद, तो इस साल शाहरुख खान सब कुछ वापस ला दिए हैं, और ऊपर से कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड भी उनके कारण हिंदी सिनेमा को मिल रही है। सही मायने में शाहरुख खान ने बॉलीवुड को बचा लिए हैं डूबने से। अभी भाई, प्रभास सर की सलार के टीजर ने रिकॉर्ड को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हाँ, सलार के टीजर के ऊपर 35 मिलियन व्यूज बस 10 घंटे में हो गए थे, फिर उसके बाद 45 मिलियन व्यूज 12 घंटे में हो गए थे, और उसके बाद 24 घंटे में सलार के टीजर ने 83 मिलियन व्यूज भी पार कर दिया है। तो शायद आज 100 मिलियन व्यूज भी पार कर जाएगा सलार का टीजर यूट्यूब पर। और उसके बाद जो सलार का क्रेज इस समय इंडिया में है, वो तो अलग ही लेवल का है। लगता है ये सलार केजब 2 को भी पीछे कर देगी क्रेज के मामले में। देखिए, अक्षय कुमार भी अपनी उड़ान रीमेक को 1 सितंबर को ही रिलीज करने वाले थे जवान के पीछे। वैसे तो मूवी का पूरा काम कई महीना पहले ही खत्म हो चुका है, बस अक्षय कुमार रिलीज नहीं कर रहे फ्लॉप के डर से। जी हाँ, फिर से उन्होंने अपनी उड़ान के रीमेक को पोस्टपोन कर दिए हैं, और ये फिल्म जवान से क्लैश नहीं बल्कि सीधा अगले साल रिलीज होगी, वो अभी 16 फरवरी को ही।
क्योंकि इस साल कहीं भी कोई डेट खाली नहीं है। दिसंबर महीना तक एकदम बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसके बीच इनका रीमेक उड़ान बुरी तरह से फेल हो सकता है। तो देखा जाए अक्षय कुमार अपनी उड़ान रीमेक को अगले साल भी रिलीज करते हैं या नहीं। देखिए भाई, जैसे कि आप जानते होंगे, जवान को रिलीज होने में सिनेमा में अब बस 2 महीना बचा हुआ है, और इसीलिए अब इसने फिल्म का राइट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी खरीदने लगे हैं। जहां तक पहले आपको बता दो, जवान का तमिल स्टेट का राइट रेड जाइंट कंपनी ले लिया है, तो वहीं कनाडा स्टेट का राइट केजीएफ सलार वाली होमवाले फिल्म ने ले ली है। तो बाकी हिंदी में जवान को शाहरुख खान की रेड चिली कंपनी रिलीज नहीं कर पाएगी, तो इसलिए जवान को नॉर्थ इंडिया और वर्ल्ड वाइड के मार्केट में रिलीज करने का जिम्मा पठान वाली YRF कंपनी ने ले ली है। यानी कि भाई जवान को बड़े स्केल पर रिलीज करने की तैयारी अभी से ही चालू हो चुका है। बस अब देखना ये होगा जवान का तेलुगु स्टेट का राइट कौन सा तेलुगु कंपनी के पास जाता है। कश्मीरी फाइल वाले विवेक अग्निहोत्री कल रात को ये महाशय प्रभास सर के सलार के बारे में खूब बेकार की बातें बोले, और आज ही विवेक अपनी अगली फिल्म द वैक्सीन वार को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं 28 सितंबर को ही। वो अभी सलार के सामने ये अपने वैक्सीन वार को हिट कराने का सपना देख रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या सच में इनमें दम है वैक्सीन वार को सलार के आगे लाने का बॉक्स ऑफिस पर, या फिर ये फिल्म का हाइप बढ़ाने के लिए ये सब झूठ मूठ का क्लैश का न्यूज फैला रहे हैं ऑडियंस में। विवेक अग्निहोत्री, आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। आप देखिए भाई, सलमान खान के टाइगर 3 एक तबाही लेवल की फिल्म बन रही है। इसका एक्शन शायद शाहरुख खान की पठान को भी पीछे कर सकता है। सबसे पहले पिछले महीने किसी मार्वल के एक्शन डायरेक्टर को कास्ट किया गया था टाइगर 3 में एक्शन सीन को कोरियोग्राफ करने के लिए, लेकिन अब मार्वल के बाद DC के स्टंट कोरियोग्राफर को भी डाल दिया गया सलमान खान के टाइगर 3 में, जिनका नाम है रिचर्ड बर्डन, जो DC के डार्क नाइट फिल्म का भी हिस्सा रह चुके हैं, और अब टाइगर 3 का स्टंट वाला काम संभालेंगे ये। तो देखा जाए डायरेक्टर मनीष शर्मा टाइगर 3 को किस लेवल की एक्शन फिल्म बनाते हैं। अब चलिए भाई बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं, जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्तिक आर्यन की सत्यम प्रेम कथा फिल्म से ही। देखिए भाई, सत्यम प्रेम ने कल के दिन भी डिसेंट कमाई कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर, ज्यादा लॉस नहीं हुआ फिर से सत्यम प्रेम का। मूवी ने जहां बुधवार को 3.50 करोड़ रुपए कमाया था, तो ही कल फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपए कलेक्शन किया है पूरे इंडिया में, और इसी के साथ सत्यम प्रेम का इंडिया में टोटल कलेक्शन अब तक 8 दिन में 52.91 करोड़ हो चुका है, और वर्सेस मिलाकर फिल्म ने 76 करोड़ के आसपास कमाई कर लिया है पूरी दुनिया के मार्केट में। बाकी देखते हैं आज फ्राइडे के दिन कार्तिक आर्यन की सत्यम प्रेम की कथा फिर से कितना ग्रोथ करती है बॉक्स ऑफिस पर। अब चलिए भाई सत्यम प्रेम के बाद निखिल सिद्धार्थ की स्पाई फिल्म पर भी आ जाते हैं। देखिए, निखिल सिद्धार्थ की फिल्म के लिए कल का दिन भी बेकार गया बॉक्स ऑफिस पर। मूवी ने जहां बुधवार को 40 लाख रुपए कमाया था, तो ही कल स्पाई ने 35 लाख रुपए ही कलेक्शन किया है, और इसी के साथ स्पाई का टोटल इंडिया में कमाई 15.10 करोड़ हो चुका है, और वर्सेस मिलाकर स्पाई फिल्म ने 22.20 करोड़ रुपए कमाई कर लिया है पूरी दुनिया के मार्केट में। तो देखते हैं भाई इस फ्राइडे के दिन भी ये निखिल सिद्धार्थ की फिल्म में फिर से ग्रोथ आता है या नहीं। बाकी अब कल का दिन का इंतजार किया जाए, कल क्या बॉक्स ऑफिस डेटा आता है सत्यम प्रेम कथा फिल्म की और स्पाई फिल्म की। वैसे भाई इस फिल्मी मैनिया की इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।